नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर एफडीए ने मंगलवार को ऑनलाइन सेलर्स को वार्निंग देते हुए लेटर पब्लिश किया कि वे नोवो नॉर्डिस्क, जो कि शक्तिशाली वजन घटाने वाली दवा वेगोवी पॉपुलर जीएलपी 1 की श्रेणी की दवाओं में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सेमाग्लूटाइड और टेरेजपेट के अनअप्रूव्ड वर्जन की बिक्री बंद कर दे। 2 अक्टूबर को सेमा स्पेस और गोरिल्ला हीलिंग को भेजे गए लेटर में एफडीए ने कहा कि अप्रूव्ड सेमाग्लूटाइड प्रोडक्ट्स वीगोवी और नोवो की डायबिटीज दवाएं ओजेम्पिक और रेबलसिस थे। इसमें कहा गया है कि एली लिली कंपनी की मंजूरों में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ट्रैपेजाइटाइड को केवल डायबिटीज के लिए अप्रूव किया गया था। एजेंसी ने यह भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि जनता को नुकसान से बचाने के लिए विक्रेता अनअप्रूव दवाएं बेचना बंद कर दें। एफडीए ने यह तक कहा है कि अस्वीकृत नई दवाओं में एफडीए निरीक्षण के अधीन दवाओं की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का आश्वासन नहीं होता है। जिन दवाओं ने रेगुलेटरी सेफगार्ड उपायों को कंटेमिनेट कर दिया है, वे दूषित या नकली हो सकती हैं। उनमें अलग अलग मात्रा में सक्रिय तत्व होते हैं या पूरी तरह से अलग अलग तत्व होते हैं। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि वेंडर्स ने यह सुनिश्चित किए बिना कि ग्राहकों के पास लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों के नुस्खे हैं, सेमाग्लूटाइड और टायरेजपेट बेचकर अमेरिकी कानून का भी उल्लंघन किया है। यदि सेलर्स ने दवाएं बेचना बंद नहीं किया तो एफडीए जब्ती और मना ही हुक्म सहित कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि सेमा स्पेस ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है, लेकिन गोरिल्ला हीलिंग, जो मोटापे की दवाओं के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स बेचती है, अभी भी काम कर रही है और प्रकाशन के समय बिक्री के लिए सेमाग्लूटाइड 5 mg और टायरेजपेटाइड 10 mg को सूचीबद्ध कर रही है। गोरिल्ला हीलिंग ने यह भी कहा है कि उन्होंने लेटर नहीं देखा है। मंगलवार को पब्लिश हुए एक और लेटर में एफडीए ने www.alphamedicstore.com को अनअप्रूव्ड और गलत ब्रांड वाले ओपियोइड ड्रग प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि ओपियोइड की लत और दुरुपयोग ने एक विशाल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। सितंबर में लिली ने 10 अमेरिकी मेडिकल स्पा वेंटिलेशन सेंटर और कंपाउंडिंग फार्मेसी के खिलाफ टेरेजपेट होने का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मुकदमा भी दायर कर दिया है। आशा करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो दोनों ही आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष।